प्रश्न बड़ा सीधा है, आप नफरत फैला रहे हैं और ये प्यार बढ़ा रहे हैं। और राहुल जी, आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे। हाँ हाँ, 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया मगर यहाँ का मीडिया गटर में पहुंच गया। पहला आपने जनसंख्या नियंत्रण पे कहा, जो लोग ये कहते हैं कि भैया देखो बच्चे पैदा करते रहो ये तो अल्लाह की देन है, इनका पालन पोषण तो सरकार करेगी, ये कौन कहता है? हमारे देश में लोगों को चटपटी खबरें, चटपटा गॉसिप और चटपटा खाना बहुत पसंद है। मैं बता रहा हूं, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद स्वर्गीय इज्जत से, क्या अखिलेश यादव में दम था एक बार कहें भैया किस तरह का बयान दे रहे हो, बच्चे पैदा करेंगे उनके उज्जवल भविष्य की चिंता कौन करेगा, मोदी जी करेंगे योगी करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे बच्चे पैदा करोगे, तो जनता इसे नकार देती है। पहली बात, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उसमें कहा मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए, क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? नहीं, दही जम गई। अखिलेश यादव कहां चले गए? नहीं भैया थर थर कांप रहे हैं, मैं कैसे बोलूंगा, मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। मेरी मारी तूने, अब देख बत्तरी कैसे बजाता हूं। अच्छा, मंदिर में दाना चुककर चिड़िया, मंदिर में दाना चुककर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के अंदर इंसान दिखाई देता है। वह क्या सीन है? कावड़ मार्ग पे हो रहा है, ये उसकी परिणति है। अभी इधर से कहा गया आपने भी हम मिलाई कि बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती। ये जो आज कावड़ मार्ग पे हो रहा है, ये जो दो साल पहले ढाई साल पहले दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने खड़े होकर मीडिया के सामने भाषण दिया था और ये कहा था हिंदुओं मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो और ये जहां दिखाई दें इन्हें पीटो, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनके कान मेट दिए होते उसी समय और कह दिया होता इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसे जेल में डालो। ये भारत में नफरत फैला रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आज ये नौबत ना आती जो आज आई है, मैं कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी के बाद सारे नेताओं ने सबने मिलकर पर नाम छुपाकर क्या होगा? हाँ, नाम छुपाकर कागज छुपाकर क्या हासिल हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूँ। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। था वो ये था कि जातीय भेदभाव दूर हो, छुआछूत दूर हो और हिंदू मुस्लिम के अंदर प्रेम मोहब्बत बढ़े, हिंदू मुसलमान की दूरियां दूर हो। और समाजवादियों ने, जिसमें डॉक्टर लोहिया का नाम फेमस है, उन्होंने आंदोलन चलाया था कि नाम भी ऐसे होने चाहिए कि नाम से पता ही ना चले कि हिंदू है मुसलमान है। चल, दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा कान खोल के। संविधान हाथ में पकड़ने से संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता चलता है, और चाहे वो राहुल गांधी हो। और चाहिए भाई, अरे 1,000-2,000 crore मिले तो लगे के हिंदुस्तान का नेता। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Let me up with a price, my love now.